अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जिस टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तकरीबन आप सब का अगला साल हो चुका होगा, तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। जैसे कि अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में ऑलरेडी न्यू ईयर हो चुका हुआ है और अभी वेस्टर्न साइड पर भी होना है और यहाँ पर अभी 15-20 मिनट बाद होगा न्यू ईयर। तो अभी मैं मेरे साथ अभी न्यू ईयर नहीं हुआ। मैं आप सारे 2020 में सबको कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर लग गए हैं भाई जी, लग गए हैं। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने कहा चलो पाकिस्तान में तो कभी गए नहीं बाहर न्यू ईयर पे, क्योंकि आपको पता है वो माल रोड पे जाओ पाटे स्लेंसर जी सारे शदाई काशी व्हीलर और कोई पता नहीं कौन सा सारा कुछ बाहर फिर रहे होते हैं और कितना रश होता है कि बंदा गए तो वापस घर नहीं आता। तो फिर हमने कहा यहाँ पे तो ऐसे आपके सामने देख लें, कोई ऐसे सीन नहीं है, तमीज़ महजब लोग हैं, घरों में आधे सो रहे हैं आधे गए हुए हैं कि पाड़ी छड़ी करने, बट रोडों पर रश नहीं है। हमने सोचा कि चलो यार इधर हैं तो न्यू ईयर मना लेते हैं। हमने बस्ता शस्ता पकड़ा, कपड़े शपड़े पहने, कमरा लॉक किया जो कि हमने गलत किया, कमरा लॉक किया, बाहर आए और बिंगो बैंग बैंग, हमें यह पता चला कि कमरे की चाबी तो कमरे के अंदर है, LOL। और फिर हमने ऊंची ऊंची को दो चार दफ़ा कोई प्यार भरे लफ्ज़ बोले क्योंकि घर पे कोई नहीं था। खैर फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि फिर हमने कहा चलो यार बाहर निकल जाते हैं, कह रहे किसी दोस्त की तरफ जाके रुक जाएंगे, बट फिर जब पीछे जेब में हाथ डाला तो पता चला भाई जी बाहर जाने के लिए ना आपके जेब में बटवा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बटवे के अंदर हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन कार्ड और पैसे शैसे सारा कुछ, और द गुड थिंग इज़ दैट इज़ ऑल्सो इन साइड द रूम, तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, वॉलेट भी अंदर है, चाबी भी अंदर है और अब मुझे नहीं पता मैं बाहर क्या कर रहा हूँ। खैर मैंने कहा यार न्यू ईयर है पत्तियाँ तो देखे ना, अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, ठीक है, और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि इधर आज क्या होना रात को, क्योंकि अब जो होगा सुबह ही होगा, सुबह किसी बंदे शंदे को बुला के कोई ताला शाला खुलवाएंगे, उसके पैरों को सलाम करेंगे कि भाई मेहरबानी आपकी, बट अभी 2019 यस यू वो फक यू यस यू ठीक हो गया जी, लग गए 2019 ने जाते जाते अपना ना रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखवा लिए, कागज पे नाम ऑटोग्राफ दे के गई है 2019 के ठोका हो रहा था तू ये ले। तो 2019 बड़ा मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें खुदा हाफिज़ कहा है। तो बस अभी जाते हैं, दुआ करते हैं कि टाइम पे कहीं पहुँच जाए, कि तकसीम स्क्वायर का प्लान बना है कि वहाँ पर जाके बत्ती शत्तियाँ देखते हैं, बत्तियाँ शत्तियाँ कोई गलत बात ना समझिएगा आप, ठीक है, तो पहुंच के वहाँ पे चेक करते हैं, आगे आपको आगाह करते हैं और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में कुछ थोड़ी बहुत एडवाइसेस देंगे, कुछ इंस्पिरेशनल बात करेंगे अगले साल से रिलेटेड, तो साथ रहिएगा पूरी वीडियो देखिएगा। और ये बजे हैं 12 और हैप्पी न्यू ईयर हम मना रहे हैं ट्रेन के अंदर। नाज़रीन तो 12 बज गए हैं, हैप्पी न्यू ईयर, और हम हैं ट्रेन के अंदर और ये हम ट्रेन से बाहर निकले और ये हम तेज़ दौड़े थोड़ा सा तेज़ कि हम 12 बज रहे हैं पर दूसरी साइड पे आ गए। अच्छा अब हम वापस दूसरी साइड पे जाएंगे, साइड तो ये खाएंगा। अच्छा तो हम जा रहे हैं तकसीम जा रहे हैं, वहाँ पर हम उतरे हैं, थोड़ा सा हम लेट हो गए, हमें बस दुख ये है कि हमारी आखिरी इच्छा 2019 की थी कि यार पत्तियाँ देख लें 2020 की आने की, सेल्फी सुल्फीज ले रहे हैं लोग, खप छप डाली हुई है और ऊपर चलते हैं, क्लोजअप ज़्यादा डर गए हो गया आप। अच्छा हाँ ऊपर चलते हैं, दुआ ये है कि 1-1.5 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे तो बत्तियाँ हम भी देख लेंगे आप भी देख लेंगे, खैर देखते हैं क्या होता है, रश इस टाइम बहुत है, सारी जाइल वहाँ बत्तियाँ देख रहे हैं आज। ये हम कट पे कट मारे जा रहे हैं कट एक और कट मारा और अब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तेज जाएंगे सीढ़ियों से। हा
हम तेज और जाएंगे, हम और तेज जाएंगे, हम भी जी जी। ये भाई जा रहे हैं, ये भी स्नैपचैट की वीडियो बना रहे हैं कि ये भी न्यू ईयर देखने तकसीम जा रहे हैं। हम भी आप पतियाँ देख रहे हैं, अब हमारी बारी है। जाहिर सी बात है ये लोग वापस आएंगे तो हमारे लिए जगह खाली करेंगे। माशाल्लाह जा रहे हैं ये, जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे हमारे सामने तकसीम स्क्वायर की पहली नज़र हम पर पड़ेगी, हमारी पहली नज़र पड़ेगी तकसीम स्क्वायर पे। नज़र तकसीम स्क्वायर पे हमारी पड़ी है 2020 में और माशाल्लाह से बहुत आवाम है और बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कोई बच्चियाँ चलियाँ नहीं चली इधर। आपके साथ मजाक हुआ है, सिर्फ एक मजाक था, लेकिन आवाज बहुत आई है। इस्लामाबाद में इतनी आवाम हमने कभी देखी होगी जब इमरान खान का जलसा था। ये लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर इस्तांबुल 2020। इस दरवाजे से गुजरना जरूरी है वरना आप लोग पीछे 2019 में ही रह जाएंगे। ये मेरी बात आप एक लिख लें। ये तीन चार लोगों ने आजमाई है, तीन चार लोग पहले यहाँ से गए थे 8 बजे, वो वापस आए, उन्होंने पूछा तारीख क्या, हमने उनको फिर यही बताया कि भाई 2019 ही है अभी, अब वो दोबारा आए हैं इधर से जाने के लिए, इंशाल्लाह वो यहाँ से जाएंगे तो वो 2020 में पहुँच जाएंगे। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2020 में हम लोग दाखिल हो गए हैं, ये हमने दरवाजा पार कर लिया है और 2020 में भी उतना ही रश था जितना 2019 में था। 2019 ज्यादा हो गया काफी जमाने से। हाँ जी नाजरीन, ये हमने दरवाजा पार कर लिया है और हम 2020 में दाखिल हो गए हैं, पहले हम 2019 में थे लेकिन जैसे कि 2019 में रश था, 2020 में भी इधर बहुत रश है, बिल्कुल निपट के मार्केट के नजारे लग रहे हैं। अब आपका समुंदर शेर के पारे ले गया है और यार ये तो करेंगे भी लोग पीछे हट गया है और आगे देख पीछे ना देख हो रही है, वो कुछ लोग हैं जिन पे हम जूम करेंगे, ये मजे ले रहे हैं, ये कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं और ये इधर जूम में मेरे साथ कुछ मजाक हो रहा है, किसी ने मेरे लेसेस खोल दिए हैं, मिलते हैं लेसेस बंद करने के बाद। नाज़रीन तो ये इस्तकलाल स्ट्रीट के मनाजिर हैं, ये आपका रिपोर्टर है, बात क्यों रहे हो, ये मनाजिर है इस्तकलाल स्ट्रीट के, इस्तकलाल स्ट्रीट के मनाजिर आप देख रहे हैं, जैसे कि अब आपका समुंदर जाए जा रहा है। हम भी चल रहे हैं क्योंकि हमें कौन सी की जल्दी है, हमने कौन सा की घर जाने हैं, हमने कौन सा की बिस्तर पर सोना है, अपने बाहर ही गुजार रहे थे, हम भी जा रहे हैं, आप साथ साथ चले, हम जा रहे हैं। ये सारे बिल्लो के कार जाने गाना गा रहे हैं टर्किश में, किने किने जाने बिलो दे कार, असी ते जाने बिलो दे कार, ये सारे गाने इधर चल रहे हैं, ये टर्किश में गा रही है, ये इब्रार भाई के बहुत बड़े फैन है ये सारे। तो फ्रेंडली भाई ये 2020 में अपनी ऑक्सीजन साथ लेकर आए हैं। वापस जाते हुए नजर आ रही है सारे वो लोग हैं जो 2020 देख आए यहाँ और कह रहे हैं सानू नहीं पसंद आया असी वापस जाना है। ये ट्रेन आने की खुशी देखे, ट्रेन आने की खुशी देखे, ओए होए 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 होए। 20 मिनट बाद ट्रेन आई है, मजाक है, मजाक है, 3:30 हो रहा है, ट्रेन आ गई है, क्या बात है, ये पार्टी मजे नाज़रीन, 4 बज रहे हैं, हम रोडों पे हैं क्योंकि ये तो होना ही था, खैर
सारा कुछ कर लिया है, न्यू ईयर अगला साल आ गया है। इस बेसिकली वैसे न्यू तो इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय डेट के, बट खैर तो अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि अभी 4 बज रहे हैं और अब हम एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। उनको हमने कहा कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करें, शेल्टर। तो बस अब हम दोस्त की तरफ जा रहे हैं, हम रात उधर रुकेंगे, उसके बाद हम सुबह जाएंगे अपने घर और वहाँ पर जाके फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। दरवाज़ा तोड़ें, दरवाज़ा तोड़ेंगे नहीं मतलब चाबी लॉक तोड़ेंगे या किसी को बुलवा के सही करेंगे। अपडेट करते हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने, हम पहुंच रहे हैं घर। ओके नाज़रीन, हियर वी आर विद बसाम द ग्रेट। हैप्पी न्यू ईयर ब्रो फॉर एवरीवन एंड फॉर फाकी ब्रो एंड फॉर द गॉड एंड ऑल पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। एंड दिस इज द गाय हूज प्लेस आई केम टू एट 4 AM एंड दिस इज वेयर आई एम गोना स्टे द होल नाइट। थैंक यू बसाम ब्रो, यू आर वेलकम ब्रो। यस, तो अपडेट ये क्या, आज इधर रुकेंगे रात, सुबह इंशाल्लाह अपनी जगह पे जाएंगे। तो जी नाजरीन, ये हम खेल में 2020 का पहला 61 और ये आपके भाई ने हंट मार दिया। ठीक है, हंट ब्रो, चेक इट। और ये आपका भाई गेम जीत गया है, लुक कैरिस भाई। नाजरीन, तो ये घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन में आए हैं और हमें टर्किश गवर्नमेंट ने न्यू ईयर का क्या गिफ्ट दिया है, ये गिफ्ट दिया है कि जी फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। ये हमें टर्किश गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया आज के लिए कि आज का दिन आपकी फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, जिधर मर्जी जाएं। पाकिस्तान में ये निज़ाम का वार है, पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट ने हमें न्यू ईयर पे क्या दिया है, या हमारी कौम ने गवर्नमेंट को क्या दिया न्यू ईयर पे, हमने किसी ने कुछ नहीं दिया, हम सारे फजूल हैं। थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, थोड़ी सी इंस्पायरिंग बात करते हैं, कुछ सेंसिबल बात करते हैं, कोई रियलिस्टिक बात करते हैं। तो सबको 2020 मुबारक हो, और ये कि काफ़ी लोग खुश हैं, काफ़ी लोग खुशियां मना रहे हैं। दुख नहीं समझ आ रहा कि भाई 2019 चला गया, क्या उखाड़ लिया था जो 2020 में उखाड़ लोगे, किस बात का इतना खाप है यार, किस बात का इतना शोर है, क्या उखाड़ लोगे भाई, क्या उखाड़ के लिया था 2019 में। हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन 90% लोगों की सिर्फ क्लास में किताबों की हद तक रह जाती है, सिर्फ एस्से राइटिंग की हद तक रह जाती है, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, 90% लोगों की 90% जो रेजोल्यूशन होती हैं दे आर जस्ट टिल द एक्सटेंड ऑफ द पता नहीं बस यार, 90% है ना वो सिर्फ आपकी किताबों की हद तक ही होती हैं कि आप बाहर नहीं निकलते, बस हमने लिख दिया, हम 2 दिन हमने किया, उसके बाद हम भूल गए, साल लंघ गया, अगले साल हम फिर वही हिसाब दोबारा लिखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हम लोग टिक ही नहीं सकते एक बात पे। यार क्या हमें करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यार हम किस तरह बेहतर हो सकते हैं। हम जितना सेल्फिश हो रही है हमारी आवाम, हमें ये थोड़ा कम होना है इस साल। इस साल के क्या प्लान्स हैं, इस साल के प्लान्स के यार हम देखें कि हम लोग क्या कह रहे हैं। जी मैं पिछले साल बहुत मोटा था, इस साल 3 इंच तौंद कम करूँगा। यार अपने से बाहर निकलो भाई, लोगों के लिए कुछ करो। ये देखो कि 2019 में आपने कितने अच्छे काम किए थे, कितने लोगों की हेल्प की थी, कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2019 में 10 लोगों की हेल्प की थी, 2019 में 2020 में मैं 30 लोगों की हेल्प करूँगा, मैं 35 लोगों की हेल्प करूँगा। कोई अच्छा काम करो, कि बड़ी सोच लाओ यार, अपने से बाहर निकलो, लोगों की हेल्प करो। इतना खप डाली हुई है 2020, क्या फुप्पी का लड़का 2020 जो आ गया है, किस बात का इतना शोर है, क्या उखाड़ लोगे। कोई उखाड़ने वाला काम करो तो शोर भी मचाओ, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। कोई अच्छा काम करो, कि बड़ी सोच लेके आओ, अपने से बाहर निकलो और लोगों के लिए कुछ करो। ये 2020 है, लोगों की केयर करो, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करो, कि यार आपकी पता चले कि यार एक बंदे ने कुछ अच्छा काम किया, ना भी पता चले बट आपको पता होना चाहिए कि यार आपने इस साल कुछ अच्छा काम किया है। ये सिर्फ एक शोर, ये खप सिर्फ एक रात मना ली, वो कल पिंडी बॉयज़ की तरह तकसीम पर भी लोग शोर मचा रहे थे, क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं उखाड़ा। 2019 भी वही है, 20 भी वही है, सिर्फ 19 की जगह पर हम 20 लिखा करेंगे, बस नथिंग हैज चेंज्ड। मेरी शक्ल रात को भी वैसी थी, अभी भी वैसी है, आपकी भी वैसी ही है, आपकी अच्छी है, मेरी गंदी है, बस सेम, नथिंग्स चेंज्ड ब्रो। वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, चेंज कम विद इन आवर सेल्फ। मेरी लाइन है किसी के, लेकिन ये नहीं पता किसकी है। बाकी भाई की मेट्रो आ गया है, मेट्रो तो आने जाने वाली चीज़ है। बात कंटिन्यू करते हैं कि भाई 2020 आ रहा है तो करना क्या है, प्लान क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, 2019 की सोच से कैसे निकलना। तो पहला काम तो ये करना है कि भाई 2020 आ गया है, अपना बड़ा करो यार दिल,
बड़ी करो अपनी सोच, ठीक है, कुछ नया करो, मतलब नया फ्रूटा वाला नया नहीं, कुछ अच्छा करो। 2019 से निकलो, मतलब हमारे काफ़ी लोगों की रेजोल्यूशन होगी जी 2020 में हमने 3 इंच तो अंदर करनी है, 20 किलो वेट कम करना है। कम ऑन गाइस, ठीक है करो, बट थोड़ा सा आपकी लाइफ का पार्ट दूसरे लोग भी डिजर्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो वैसे हमारी आवाम है, जो हमारी सोसाइटी है, दे डिजर्व अ पार्ट ऑफ यू। तो उनके लिए कुछ अच्छा करो यार, उनके लिए कोई स्टेप करो, उनको जिससे फ़ायदा हो, अपना फ़ायदा आप रखो नो डाउट, बट डोंट बी पूरा सेल्फिश यार, थोड़ा लोगों को भी एहसास करो, उनकी भी हेल्प करो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, दोस्त भाई जान और माँ बाप घर वाले सारे रिश्तेदार जो आपके साथ है, जितना प्यार शेयर मिलता है, इज्जत मिलती है, वापस करो, गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। तो ये कि यार अच्छा कुछ सोचो आगे 2020 में, एक काम ज़रूर कर देना, एक रिक्वेस्ट है कि आकड़ अपनी साइड पर रखना भाई, ठीक है, और ये कि गलती मानना सीखो अपनी, जहाँ पे आप रॉन्ग हो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को यार, ठीक है। देखो नवाज शरीफ 2020 आ गया है बट बदला कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, नवाज शरीफ ने मान लिया कि उसने करप्शन किया, इमरान खान ने मान लिया कि उसने भाई उससे मुल्क नहीं चल रहा, नहीं माना, बिलावल भुट्टो ने मान लिया कि उसमें जनाना टच है, नहीं माना उसने। तो ये आप मानो, गलती मानो, मेट्रो फिर आ गई है, मैं फिर इधर ही बैठूंगा, आप अपनी गलती मानो कि यार ठीक है हम बढ़ेंगे आगे, अपनी गलती मानो, एक्सेप्ट करो, छोटे नहीं हो जाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा, सीखने को मिलेगा। आप चीज़ गलती मानो अपनी, आप यार ये ठीक है, ये है, जो गलती है उसको मानो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इससे ये कि यार आप छोटे नहीं हो जाओगे आप गलती मान लोगे। दूसरा ये कि यार आपकी जो भी रेजोल्यूशन है वो आप पेपर पे लिखो ना लिखो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो आप कर रहे हो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और आप उस पर रखो कि यार आपने पेपर में किसी लिखी नहीं लिखी, इट डजेंट मैटर, अब वो करो, जो अच्छा है वो करो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आप यार वो करो। बाकी आई होप आप सबको आगे आपके एक अच्छा ईयर हो, आप सब दुआएं आपके साथ हैं आप सबके। बाकी एंड पे यही कहना चाहूँगा कि यार उम्मीद है आप सबका 2020 बहुत अच्छा जाए, एक नया डेकेड स्टार्ट हुआ है, आप सबके साथ मेरी दुआएं हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे सबके लिए, साल बड़ा अच्छा हो, आप भी दुआओं में याद रखें। बाकी अभी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीक से पेपर्स हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ कोई हाथ उठा के इस साल नमाज़ें पढ़ने की रेजोल्यूशन करें कि हम 5 वक्त के नमाजी होंगे, ये करें रेजोल्यूशन। और जब आप इंशाल्लाह नमाजी हों, नमाज़ पढ़ें, हाथ उठा के हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे भी पेपर अच्छे हो जाएं, ठीक है, दुआ करें हमारे लिए। बाकी इंशाल्लाह आपसे इस व्लॉग के बाद, पेपरों के बाद ही मिलेंगे, पेपरों के बाद इंशाल्लाह अच्छा सा कोई मज़े से चीज़ लेके आएंगे आपके लिए, तो आप दुआ करें कि पेपर अच्छे हो जाएं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपने कमरे में बैठे हैं, अपने ही बिस्तर में बैठे हैं, अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो ये देखा कि लंबा हो गया व्लॉग थोड़ा ना, तो खैर व्लॉग ये देखने के लंबा हो ना हो देखना ही होता है, कुछ और थोड़ी करना है। बाकी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा यार, और ये कि न्यू ईयर का गिफ्ट हमें भी दें, लोगों का फ़ायदा करें, जैसे मैंने आपको बताया ये टिंग 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 लाल बटन पे टिंग 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 करें, उंगली का सही इस्तेमाल करें। 2020 के रेजोल्यूशन में ये लिखें कि हम अंगूठा उंगली सही जगह इस्तेमाल करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दबाएँगे। इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।